हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल मोबाइल एंड पीजे सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये देखिए इंटेक्स का मोबाइल है, इंटेक्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पैटर्न लॉक लगा हुआ है। इसका जो भी पैटर्न लॉक है बिल्कुल हमें नहीं पता। तो ये दोस्तों वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर बटन से जो हार्ड रिसेट मारते हैं उस प्रोसेस से ये होगा नहीं, क्योंकि अपडेट वर्जन में होने के कारण ये प्रोसेस पहले वाला वर्जन में होता था, लेकिन अभी अब नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मॉडल नंबर जो इंटेक्स का है, इंटेक्स का मॉडल नंबर मैं पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इंटेक्स एक्वा पावर आई भी, तो इसका यह मॉडल नंबर इंटेक्स एक्वा पावर आई भी, इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो इसका हम लोग पैटर्न लॉक खोलने के लिए सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर पर चलते हैं। कंप्यूटर पे यहाँ मैंने एक इंटेक्स का फाइल डाउनलोड कर रखा हूँ, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर बनाने या न्यू फोल्डर बनाने के बाद इसको मैं न्यू फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। न्यू फोल्डर अंदर रखने के बाद इसे मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करने के बाद यह हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट इसको हम लोग होने देते हैं, जितना भी समय लगेगा हमें पूरा फुल इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखिए ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद मैंने इसे न्यू फोल्डर 13 न्यू फोल्डर 13 बोल के एक फोल्डर है उसके अंदर मैंने रखा है। अब मैं न्यू फोल्डर 5 में एक टूल है एसपी फ्लैश टूल, इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एसपी फ्लैश टूल है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। तो मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सट्रैक्ट करके दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा फिर एस पी फ्लैश टूल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इस टूल को मैं ओपन करूँगा। देखिए ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद मैं ये टूल को एस पी फ्लैश टूल को ओपन कर रहा। देखिए यहाँ फ्लैश टूल लिखा हुआ है, फ्लैश टूल को ओपन किया। अब यहाँ पर आपको द स्केटर कैन नॉट फाइंड प्लीज मेक ए श्योर टू एग्जिट बिफोर डाउनलोड, इसको आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर। रुकिए मैं थोड़ा इसे मैंने साइड में सेटिंग कर दिया। अब यहाँ पर आपको चूज में आना है। देखिए यहाँ पर चूज लिखा हुआ है दो नंबर वाले ऑप्शन पे, दो नंबर वाले ऑप्शन पे आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर 13 में जाना है। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर मेरा न्यू फोल्डर 13 में फ्लैश फाइल है। तो न्यू फोल्डर 13 में जाने के बाद फ्लैश फाइल, उसके बाद जाना है आपको फार्मवेयर में जाना है। फार्मवेयर में जाकर MT6737M एंड्रॉइड स्केटर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए ये हमारा ओपन हो रहा, प्रोसेसिंग हो गया, ये हमारा ओपन हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको मोबाइल का मेरा स्विच ऑफ है, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ में ही आपको रहने देना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ जो डाउनलोड लिखा हुआ है डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल में आना है और सिंपली डाटा केबल लगाना है। देखिए मैंने मोबाइल में डाटा केबल लगा दिया। देखिए डाटा केबल लगाते ही यहाँ पर लाल रंग का एक लाइन पार हुआ। अब देखिए बिगिन कलर का एक लाइन पार हो रहा, अब येलो कलर का एक लाइन पार होगा। आपको येलो कलर का लाइन पार होने में करीब 2 से 5 मिनट का समय लगता है। देखिए यहाँ पर येलो कलर का एक लाइन पार हो रहा, अभी तक 2% हुआ है इस टाइप का, अभी आपको चल रहा है। डाउनलोड यहाँ पर 3% हुआ है, या जब तक 100% नहीं होता है तब तक आपको
वेट करना है। तो देखिए 3, 4, 5, अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो यह हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप कर देता हूं। लेकिन आपका प्रॉब्लम है, इसके बाद आपको FRP लुक लगेगा, FRP लुक लगेगा। मैं यही भी प्रोसेस अभी बताऊंगा कि FRP लुक इसको कैसे खोलना है, इसीलिए फिर वीडियो शुरू से शेष तक पूरा देखते रहिए, आपका FRP लुक भी खुल जाएगा और पैटर्न लुक भी खुल जाएगा, या और कोई प्रॉब्लम हो, हैंग प्रॉब्लम, वो भी इससे ठीक होगा। देखिए 13% हुआ है, 14%, इस टाइप का ये 100% जब पूरा हो जाएगा तो ही आपका पैटर्न लॉक खुलेगा, लेकिन FRP लॉक लगेगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो कुछ देर के लिए स्किप कर देता हूँ। देखिए अभी तक 57% हुआ है, अभी भी 100% होने हैं बाकी है, इसीलिए मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। देखिए हमारा 97% हो गया, 98, 99, 100, 98, 99, 100। देखिए हमारा डाउनलोड ओके हो गया। अब आप डाटा केबल निकाल दीजिए, डाटा केबल निकालने के बाद ये आपका क्या होगा, अभी FRP लॉक में आएगा। हाँ, ये FRP लॉक ऑन होगा जाएगा, पैटर्न लॉक हट जाएगा, लेकिन FRP लॉक में आएगा। चलिए तब देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका FRP लॉक कैसे खोलना है। आपको इसी का FRP लॉक खोलने के लिए ये जो टूल को ओके हुआ, ये टूल को ये जो खुला है इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ पर नेम पर अनक्लिक करिए। नेम पर अनक्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट में जाइए, उसके बाद मैनुअल फॉर्मेट में जाना है। मैनुअल फॉर्मेट में जाने के बाद आप इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं एंड्रॉयड स्कूटर का टूल जो जिसे मैंने रखा था फ्लैश फाइल, मैं उसमें जाता हूँ। मैं न्यू फोल्डर 13 में रखा हूँ फ्लैश फाइल, न्यू फोल्डर 13 को ओपन करता हूँ। यहाँ पर इंटेक्स का पावर आईवी का फ्लैश फाइल यानी फार्मवेयर को ओपन करता हूँ। फार्मवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर MT6737M स्केटर फाइल में आना है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन विथ वर्डपैड से आपको ओपन करना है। ये आपको ओपन वर्डपैड में ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फाइंड लिखा हुआ है, इस जगह फाइंड में क्लिक करना है। फाइंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको FRP लिखना है। मैं यहाँ FRP लिख रहा हूँ। FRP लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ FRP में आ गया है। FRP में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है 0x6, जो भी एड्रेस है ये एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको रिटर्न SP फ्लेक्स टूल को रिज्यूम करना है। रिज्यूम करने के बाद इसको आपको डिलीट करना है, जो भी यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है ये एड्रेस को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है इसे मैं पेस्ट कर देना हूँ। आपको मैं रिटर्न इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर देखिए पार्टीशन साइज जो लिखा हुआ है इसको भी आपको 100000 को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको रिटर्न रिज्यूम करना है। आपको SP फ्लैश टूल को रिज्यूम करने के बाद ये जो भी लिखा हुआ है उसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको वही जो कॉपी किया उसको रिटर्न यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। लेकिन स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए अभी तक ये इंटेक्स लिखा हुआ है, अभी तक पूरा स्टार्ट नहीं हुआ। आपका यह पूरा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपका FRP लॉक में आएगा, 100% गारंटी है। चलिए देखते हैं FRP लॉक में आता है या नहीं। ये FRP लॉक में आएगा ही आएगा। FRP लॉक में आने के बाद अगर आपका FRP लॉक में नहीं आता है तो खुशी की बात है, आपको इतने प्रोसेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका FRP लॉक अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। ये जो फाइल है वह फाइल से आपका FRP लॉक भी तुरंत खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए जो भी प्रोसेस मैंने बताया, मैनुअल फॉर्मेट करना होगा। मैनुअल फॉर्मेट करने के बाद आपको यहाँ पर अभी वेट करना है जब तक यह पूरा स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो पूरा स्टार्ट होने दीजिए, तब तक मैं वेट करता हूँ। अभी स्क्रीन ब्लू हो गया है, लेकिन अभी स्टार्ट हो जाएगा पूरा। देखिए यह हमारा स्टार्ट हो गया। अब आपको मैंने बोला था कि FRP लॉक में आएगा। देखिए पैटर्न लॉक हट गया, गेट स्टार्टेड में मैंने क्लिक किया। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद देखिए स्किप के बाद यहाँ पर सेटअप न्यू पर क्लिक किया। सेटअप न्यू के बाद क्लिक सी ऑल वाईफाई नेटवर्क। अब हमारा ये FRP लॉक में चला आया। FRP लॉक में आने पर कोई चिंता नहीं है, आप मोबाइल का सिंपली पावर ऑफ कर दीजिए। मैंने पावर ऑफ कर दिया सिंपल मोबाइल का। पावर ऑफ करने के बाद आपको जो प्रोसेस मैंने पहले बताया था वही प्रोसेस रिटर्न करना है।
आपको सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद तुरंत बाद आपको यहाँ पर डाटा केबल लगा देना है। देखिए मैंने डाटा केबल यहाँ लगा दिया। देखिए लाल रंग का एक लाइन पार हुआ। अब यहाँ पर ही देखिए फॉर्मेट ओके का ऑप्शन आ गया। ये हमारा एफ आर पी लॉक बिल्कुल पूरी तरह से खुल गया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारा चैनल मोबाइल एंड पेज सॉल्यूशन सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब देखिए मैंने इसका डाटा केबल निकाल दिया। डाटा केबल निकालने के बाद मैं इसे अब ऑन कर रहा हूँ। देखिए अब हमारा एफ आर पी लॉक बिल्कुल पूरी तरह से ओपन हो गया होगा। चलिए इंटेक्स लिखा गया है। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब मैंने गेट स्टार्टर पर क्लिक किया। गेट स्टार्टर पर क्लिक करने के बाद स्किप स्किप के क्लिक करने के बाद सेटअप न्यू, सेटअप न्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डोंट यूज एनी नेटवर्क का ऑप्शन आ गया। यही नहीं आ रहा था। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट, जस्ट ए सेकेंड, एफ आर पी लोग नहीं लगेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर नोट नाउ, स्किप एनी वे, फिनिश सेटअप लेटर। देखिए हमारा एफ आर पी लॉक पैटर्न लॉक हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। इंटेक्स एक्वा आई वी का खुल गया है। तो दोस्तों इसी तरह का लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल मोबाइल एंड पेज सॉल्यूशन सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।